الحمد لله العلي العظيم واسك الصلاة واطيب السلام على حبيبه الرحيم مقتدى الخليل والكليم مالك جنة النعيم الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الذين قاموا بنصرة الدين القبيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر صوفی ملت قاری عبدالوحید صاحب قادری دامت شیوخکم جامعہ فیضان اشفاق کے تمام علماء کرام فارغین طلباء مہمان علماء کرام تمام حاضرین جشن غوث الورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وقت بہت ہو گیا ہے اب میں اتنی دیر بیٹھ بھی نہیں پاتا الحمدللہ میں 1971 سے بیان کر رہا ہوں یہ تو گرامی قدر عزیز المرتبہ قاری صوفی عبدالوحید صاحب برکاتی قادری کی خواہش کہ میں حاضر آ گیا بیان بھی بہت آپ نے سنے جلسہ بھی بڑے اہتمام شان کے ساتھ چلا 3:30 بج چکے ہیں 4:15 ہو رہے ہیں اب کچھ بیان نہیں کرنا ہے یہی 3 باتیں ہیں یہی 3 ہیں اصل دین وقت ہوتا تو میں میری نعت آپ نے وہ باسنی کے عبدالحکیم صاحب سے سنی میں بھی پیش کرتا پھر کبھی آیا تو پیش کروں گا بس سن لیجئے ارشاد ربانی ہے لتؤمنوا باللہ ورسول ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول ایمان لاؤ اللہ اور اس اور یہ اور قابل غور ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے اور کی طلب کب ہوتی ہے اور کا تقاضا کب ہوتا ہے میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے جناب اقبال صاحب پانی منگائیے زحمت نہ کیجیے گا میں مثال پیش کر انہوں نے ایک گلاس پانی منگایا میری طرف بڑھایا میں نے پی لیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اور یہ اور کی طلب کیوں ہوئی
ये और का तकाजा क्यों हुआ? अगर एक गिलास पानी प्यास बुझा देता काफी होता तो और के तलब की जरूरत न थी। और लाइए बता रहा है कि जो पहले मिला है वो काफी नहीं है, सफिशियंट नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है ले तू मेनू बिल्ला है व रसूली, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। तो जब तक रसूल पर ईमान न लाओगे अल्लाह पर ईमान लाना काफी नहीं। और आगे चलिए दूसरे नंबर पर, वत अज़रू हो। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर बजा लाते रहो, उनकी अजमतों का खुतबा पढ़ते रहो। और ये दो काम कर लिए तो वह तो सब बेहू हो बुकरतम वासीला। अब सुबह शाम तस्बीह पढ़ो, अब सुबह शाम नमाजें पढ़ो। तो ये तीन चीज है, ईमान, ताज़ीम रिसालत और इबादत। ईमान, ताज़ीम रिसालत और इबादत। और अंदाज़े कि एक तरफ ईमान का जिक्र है, एक तरफ नमाज का जिक्र है, बीच में ताज़ीम रसूल का जिक्र है। तो मालूम हुआ के ताज़ीम रिसालत का मकाम बीचों बीच है और यही जिस्म में रूह का मकाम है। तो ईमान की भी रूह है ताज़ीम मुस्तफा, इबादत की भी जान है ताज़ीम। अच्छा साहब और तेजी से चलिए, ईमान ताज़ीम और इबादत में आपस में क्या ताल्लुक है, क्या फर्क है? तो ईमान को बुनियाद समझिए, ईमान क्या है? बुनियाद। और ताज़ीम रसूल है दीवार और इबादत है छत। तो दीन की मजबूत इमारत बनानी है तो ईमान की मजबूत बुनियाद ताज़ीम रसूल की ऊंची दीवार खड़ी करो और फिर नमाज का छत डालो, नमाज की छत डाल लो। हाय हाय हाय। अच्छा ईमान और ताज़ीम में क्या फर्क है और क्या ताल्लुक है? अबे बुनियाद, बुनियाद को समझो समझ जाओगे। अरे बुनियाद और दीवार एक ही चीज तो है। बुनियाद की पहली ईंट से लेकर दीवार की आखिरी ईंट तक एक ही तो है। अरे जो बातिन है उसे बुनियाद कहते हैं, जो जाहिर है उसे ताज़ीम कहते हैं। जो बातिन है उसे बुनियाद कहते हैं, जो जाहिर है उसे दीवार कहते हैं। भाई ईमान बातिन है ना, ईमान कहाँ रहता है? दिल में। दिल नजर आता है तो ईमान बातिन। तो ईमान के अंदर ईमान बातिन, ये ईमान दिल में रहता है। और दिल में ईमान तो वो भी पोशीदा है, है? समझ गए ना? लेकिन ताज़ीम जाहिर है, ताज़ीम जाहिर है। अभी झूम झूम कर सलातो सलाम पढ़ोगे तो ताज़ीम जाहिर हो जाएगी, ताज़ीम जाहिर हो जाएगी। तो ईमान की बुनियाद पर ताज़ीम की दीवार उठाओ और फिर इबादत की छत डाल लो। एक साहब ने कहा भाई हम ईमान के कायल हैं, नमाज के कायल हैं, मगर ये बीच में ताज़ीम क्यों? हमने कहा ये तीन मंजिला इमारत है, एक ईमान, एक ताज़ीम, एक इबादत। तो अगर बीज की मंजिल निकाल दोगे, बीज की मंजिल निकाल दोगे तो क्या तीसरी मंजिल हवा में खड़ी रहेगी? अरे वो गिरेगी तो पहली मंजिल को भी गलत कर देगी।
तो सलामत रखो ईमान को भी, ताजीम रसूल को भी और नमाज को भी। और मौलाना सूफी कारी अब्दुल वही साहब ने जो ये गुलशन अहले सुन्नत को संवारा है, सजाया है, इससे ताल्लुक जोड़े रहिए, इमदाद करते रहिए, तआवुन करते रहिए। हजरत कारी सूफी अब्दुल वही साहब कादरी से बराबर मिलते रहिए और इनसे फयूज व बरकात हासिल करते रहिए। यही मेरी नसीहत है, अल्लाह कबूल फरमाए और आपको खूब खूब फैजिया फरमाए। वमा अलैना इल्लल्लाह।